इस वीडियो के जरिए आप लोग सीखने वाले हो कि आप अपने नया फेसबुक पेज का फॉलोअर्स और वॉच टाइम को कैसे मात्र 2 से 3 दिन के अंदर में कंप्लीट कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही आप लोगों को देखना है। अगर बीच में स्किप करते हो तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और देखो कि कोई भी आपको एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है, बस मैं जो ये बताऊंगा इस ट्रिक को आपको अप्लाई कर देना है। और अगर आपके पास कोई सा भी पेज हो पहले से जो जिसमें ऑलरेडी कुछ फॉलोवर्स पड़े हुए हैं, जैसे 5,000 हो सकता है, 20-25,000 वाला आपको ऑलरेडी फेसबुक पेज है, तो आपका ये मेथड जो है बहुत ही जल्द वर्क करने वाला है और 100% वर्क करेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक करो और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए 200 से 300 रुपए डेली अर्न करना चाहते हो मेरी तरह, जैसा कि मेरे ऑलरेडी बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो अर्न कर रहे हैं, अगर आपको इंटरेस्टेड है कि मोबाइल फ़ोन के जरिए बिना कोई मेहनत के कुछ इन्वेस्टमेंट करके आप डेली के अर्न करना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए, कोई भी स्किल की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस आपको मैं जो बताऊँगा उस स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में विजिट करके आप जो है मेरे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और हमसे उस बारे में पूछ सकते हो। साथ ही और भी कोई प्रॉब्लम हो आपको Facebook से रिलेटेड तो उससे भी आप हमसे सलाह ले सकते हो, उस WhatsApp ग्रुप के इनबॉक्स के जरिए हमसे सलाह ले सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे तुम अपने Facebook पेज के फॉलोवर्स को बहुत ही जल्दी इंक्रीज कर सकते हो। तो देखो Facebook पेज के फॉलोवर्स को इंक्रीज करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको लॉन्ग वीडियो से ऐसा नहीं करना है। लॉन्ग वीडियो से ऐसा करोगे, लॉन्ग वीडियो से अगर आप चाहते हो कि मेरा फेसबुक पेज का फॉलोवर्स बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो जाएगा तो उस बात को आप भूल जाओ, क्योंकि अब लेटेस्ट तरीका आ गया है वीडियो को वायरल करने का। देखो कि रील्स जो होता है, रील्स वीडियो, और रील्स वीडियो अगर आपका वायरल होता है तो रील्स वीडियो का भी वॉच टाइम आपका कंप्लीट होगा। तो देखो कि कैसे क्या करना है, इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो। तो देखो कि यहाँ पे जो आपको यहाँ पे रील्स आपको मैं यहाँ पे जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इस टाइप के रील्स, तो ये जो सभी रील्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो जो ज़्यादा वायरल रील्स है यहाँ पे, जैसे कि देखो कि ये वाला जो रील्स है, इस टाइप के रील्स को आपको उठाना है। यहाँ पे देखो कि ऑलरेडी यहाँ पे 2 मिलियन इस पे व्यूज आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मात्र इसी वीडियो से इसका जो है पेज का वॉच टाइम भी कम्प्लीट हो गया है और फेसबुक इसका फॉलोवर्स का क्राइटेरिया जो है वो भी कम्प्लीट हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसके पेज में विजिट करके भी दिखाता हूँ। देखो कि ये पेज है और यहाँ पे मैं इसके पेज में विजिट करता हूँ, इसके फॉलोवर्स को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कितने सारे फॉलोवर्स हैं इस पे। तो यहाँ पे देखो ये जो रील्स इन्होंने डाला हुआ है, ये रील्स इन्होंने डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे देख लो कि इसके 29,000 फॉलोवर्स है, तो ये तो हो गई इंस्टाग्राम का रील्स। और यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम का फेसबुक जो है, इंस्टाग्राम दोनों एक ही है, एक ही मालिक है मार्क जुकरबर्ग इसका, तो इसीलिए दोनों का जो है वीडियो एक दूसरे जगह पे पब्लिश कर दिया जाता है। आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम पेज को अपने फेसबुक पेज से लिंक कर सकते हो। तो देखो कि अब रील्स वाला जो तरीका है, रील्स वाले तरीके से ही आपको वॉच टाइम कम्प्लीट करना होगा। यहाँ पे इस रील्स को देखो कि 30 मिलियन व्यूज आए हैं इस रील्स पे। इसके मैं रील्स में विजिट करता हूँ, यहाँ पे देखो कि ये भी आपको इंस्टाग्राम वाला रील्स ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इंस्टाग्राम का ही रील्स है। तो इंस्टाग्राम का पेज बहुत ही जल्दी वायरल होता है, तो क्या करना है आपको, आपने देख लिया कि जो ज़्यादा वायरल है वो इंस्टाग्राम से आया हुआ रील्स है, तो अब आपको यहाँ पे देखो ये जो मैं पेज आपको दिखा रहा हूँ, तो ये बंदा जो है आप इस तरह से अपने फेसबुक पेज को वायरल करवा सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे ऑलरेडी ही ओपन करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे अगर देखोगे इस बंदे का वीडियो को देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादातर इसके वीडियो जो है मात्र 1 मिनट के अंदर ही होता है, ये वीडियो इसका 3 मिनट का है। अब जितने भी इसके वीडियो को देखोगे तुम, ये फेसबुक पेज से आसानी से अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पे इस वीडियो को देखो आप, यहाँ पे देखो कि 12 सेकेंड का ये वीडियो है और ये क्या कर रहे हैं कि दूसरे के वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप रिएक्शन वीडियो बना करके भी अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये भी रिएक्शन वीडियो है, और यहाँ पे देखोगे तो ये भी देखो कि 34 सेकेंड का, बहुत ही कम जो है इसकी लंबाई, इसके वीडियो की लंबाई बहुत ही कम होता है। जितने भी वीडियो इसके देखोगे 30-35 सेकेंड से ज़्यादा के इसके वीडियो नहीं होते हैं। तो देखो कि इस तरह से भी आप अपना कंटेंट बना के वीडियो को वायरल करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके फेसबुक पेज पे बार बार LOC का प्रॉब्लम आता है, तो इस तरह से भी आप कंटेंट बनाकर अपने पेज को वायरल करवा सकते हो। यहाँ पे देखोगे मैं इंस्टाग्राम में विजिट करता हूँ, इंस्टाग्राम में भी आपको ढेर सारा रील्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे जब इसके होम में हूँ मैं, एक्सप्लोर में मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे हमें जो है रील्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी रील्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ से भी आप रील्स में विजिट कर सकते हो।
यहाँ पे एक्सप्लोर में जो किया तो यहाँ पे अगर देखोगे जो भी रील्स यहाँ पे आए हुए हैं ज़्यादातर ट्रेंडिंग में है सभी के सभी रील्स। अब देखोगे यहाँ से रील्स को ऐसा रील्स उठाओ कि वो आपको लगना चाहिए कि ये वायरल हो सकता है फेसबुक पेज पर, तो इसके रील्स को आपको उठा लेना है। अब एडिट कैसे करना है कि एडिट करने के लिए थोड़ा सा देखो कि यहाँ पे शॉर्टकट का आप यूज कर सकते हो एडिट करने के लिए, या फिर अगर आपके पास फिल्मोरा है तो फिल्मोरा का भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास मोबाइल फोन से ऐसा करना चाहते हो तो आप काइनमास्टर का यूज करके भी इसको एडिट कर सकते हो। तो काइनमास्टर में क्या करना है आपको, बेसिक से करना है बस, वीडियो को जो भी साइज में है उसी साइज में रहने देना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज कर देना है और इसके पिच को थोड़ा सा चेंज कर देना है। पिच को चेंज करना मैंने कई बार बताया है, कलर को चेंज करना भी मैंने कई बार बताया, बस आप आसानी से ये दोनों आप कर सकते हो। अब तीसरा जो आता है, तीसरा आता है अपलोड कैसे करना है इसके रील्स को, कहाँ से अपलोड करना है। तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो यही है कि अब अपलोड कर मोबाइल से करें या फिर पीसी से करें। तो इस बात को सुनने के लिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपका वीडियो वायरल नहीं जाएगा। तो देखो कि यहाँ पे जो ये जो मेरा अकाउंट है, इस अकाउंट में जो है रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, कुछ एड्स वाला रिस्ट्रिक्शन, जो आप जानते ही होंगे फेसबुक एड्स आप नहीं चला सकते अगर आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। तो मैं आप इस अकाउंट को भी दिखा देता हूँ। तो देखो कि यहाँ पे जब अपने अकाउंट में यहाँ पे इस 3 डॉट्स पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारा यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप अपने प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड को ऑन कर सकते हो, प्रोफाइल को लॉक कर सकते हो, प्रोफाइल अनटैगिंग को देख सकते हो, सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, एक्टिविटी लॉग देख सकते हो, स्टोरी अर्चिव देख सकते हो, और यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है तुम्हें। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कि रिस्ट्रिक्शन अगर होगा तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे देखने को। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो भी रिस्ट्रिक्शन होंगे वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखे थिंग्स दैट यू मैनेज, जो भी आपके पेज है सभी पेज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, किस किस पे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके फेसबुक अकाउंट पे आपका जो है फेसबुक अकाउंट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे होना चाहिए, जैसे कि एडवर्टाइजिंग वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन वाला रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए। अगर उस पे रिस्ट्रिक्शन है तो आपको उस अकाउंट से पेज को नहीं बनाना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं जो वायरल करता हूँ, मैं क्लोन आईडी से भी फेसबुक वीडियो को वायरल कर देता हूँ, और जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करता हूँ तो जिसमें मेरा पे आउट लगा हुआ है उसमें मैं जाता हूँ, एडमिन एक्सेस देता हूँ, उसके बाद ही मैं अप्लाई करता हूँ। तो देखो कि आपको सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन चेक कर लेना है कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह है या नहीं। नहीं होगा तो उसी अकाउंट से आपको पेज बनाना है और इंस्टाग्राम पर वीडियो आपको उठाना है और अपने फेसबुक पेज पर मोबाइल फ़ोन के जरिए आपको अपलोड करना है, ना कि आपको पीसी के जरिए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखें, मोबाइल फ़ोन के जरिए आप वीडियो को रील्स में अपलोड करोगे, रील्स में अपलोड करने के बाद जो आपका फेसबुक ऐप होता है उसमें कैच फाइल होता है, जैसे कि ब्राउजर में कैच फाइल होता है, जैसे कि मैं कंट्रोल शिफ्ट डिलीट दबाता हूँ, जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट दबाता हूँ तो यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में यहाँ पे देखो कि क्लियर कैच वगैरह, यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डाटा आता है, कैच वगैरह डिलीट कर सकते हो ऐप का आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी। तो जब भी आप अपने वीडियो को अपलोड करो तो अपने ऐप का क्लियर कैच कर दिया करो, उसके बाद जब दूसरे ऐप में भी विजिट करो तो वहाँ पे भी क्लियर कैच करो, उसके बाद शेयरिंग करो दूसरे ऐप से, यानी कि क्लोन ऐप जो बनाते हो अपने मोबाइल फ़ोन में, तो सभी में क्लियर कैच कर देना है, उसके बाद ही आपको वीडियो अपलोड करना है और क्लियर कैच करने के बाद ही आपको वीडियो को शेयर भी करना है। तो देखो शेयर भी मोबाइल से ही करो और वीडियो तो 100% आप अपने फ़ोन से ही अपलोड करो रील्स में। रील्स में अपलोड करने के बाद आप शेयर करने की बात आती है तो शेयर आप पीसी से भी कर सकते हो। अब कोशिश ये करो कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वायरल पेज है जिसमें जो मोनेटाइज नहीं है लेकिन फॉलोवर्स वगैरह उसमें है, तो उसी पेज के ऊपर में उस वीडियो को शेयर करो और ऑटो अप्रूवल ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हो। तो इस तरह से अगर करोगे तो आप आसानी से अपने फेसबुक पेज को वॉच टाइम फॉलोवर्स वगैरह को कंप्लीट कर सकते हो और अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में यह कहना चाहूँगा कि अगर ऑनलाइन अर्न करना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना, मैं तुम्हें गाइड करूँगा क्या क्या करना है व्हाट्सएप के इनबॉक्स में, तो ज़रूर ज्वाइन करना और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो 100% करना ही करना।